राधा मधुमान मंदिर की। कुछ बच्चों का आग्रह था कि मैं हिंदी में भी बोलूं। मैं तो आप लोगों के लिए सभी भाषाओं में बोल सकता हूँ। हमारे प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि जब भी आप जन समूह में हैं, चाहे वहाँ पर विभिन्न प्रकार के वर्ग के लोग होंगे, तो प्राय कलयुग में सब लोग इंग्लिश समझ लेते। मगर फिर भी कुछ लोगों का आग्रह था कि मैं प्रयास करूं हिंदी में बोलने के लिए, तो मैं प्रयास कर रहा हूं। आप मेरे शक्ति हैं तो मैं अवश्य हिंदी में भी बोलूंगा, गुजराती में भी बोल सकता हूं, मराठी में भी बोल सकता हूं, तमिल में भी बोल सकता हूं, पंजाबी में भी बोल सकता हूं, डोगरी में भी बोल सकता हूं, कश्मीरी में भी बोल सकता हूं। अब आप कोई है तो साथ देगा तो मैं सब भाषाओं में बोल सकता हूँ, बंगाली में भी बोल सकता हूँ, उड़ीसा में भी बोल सकता हूँ, तमिल, तेलुगु। सो दिस इज ऑल आवर लैंग्वेज। भारत में इतनी लैंग्वेजेस हैं, सभी को हमको प्रेम करना है। सभी लैंग्वेज अपने भाव के उद्धार के लिए बने हुए हैं। तो आज के दिवस अपने मन के उद्धारों को इस तरीके से समर्पित करना है कि हम सभी एकत्रित हुए हैं, कि हम लोग जो भी बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है हिंदू के ऊपर, उनके अत्याचार के विरुद्ध हम आवाज उठाएं। जन जन्मांतर बहुत सदियों से हमारी आवाज छुपी रही, चाहे वो मुगल थे, चाहे वो ब्रिटिश थे, चाहे वो कौन से भी थे, मगर अब तो जाके हिंदू भाइयों सवाल है कि अपने लोगों को सही दिशा देने के लिए अपूरी संस्कृति जा रही है। या तो बहुत से लोग पिज्जा और बर्गर के अंतर्गत अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अपनी संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं, मगर हम आप सब लोगों को यही बताना चाहते हैं कि हमें अब धर्म की रक्षा के लिए आप आएंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगी। ओके, तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है, उसमें कोई समय नहीं है अभी बताने के लिए, मगर पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के लगभग 740 केंद्रों में आज ही